काश्तकारों को आसान कर्जों के लिए पंजाब किसान बैंक कायम करने का सुली फैसला हुआ है, इस इजलास से मुतालिक भी अपडेट कीजिएगा। देखिए, इस इजलास में पंजाब किसान बैंक ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, हार्ट वेस्टर और जरिए आलात के मुकामी सतह पर तैयारी, ऑयल सीड प्रमोशन प्रोग्राम का बाकायदा ऐलान किया गया है और ये काश्तकारों के लिए एक तारीखी पैकेज का ऐलान पंजाब हुकूमत की जानिब से सामने आया है। पर इस इजलास में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ भी मौजूद थे, जिसमें किसान पैकेज का तफसीली जायजा लिया गया। काश्तकारों को आसान कर्जों के लिए पंजाब किसान बैंक कायम करने का असूली फैसला किया गया है और काश्तकारों के लिए सीएम पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की मंजूरी दे दी गई है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ट्रैक्टर पर महज 6 लाख रुपए सब्सिडी की तजवीज मुस्तरद कर दी और छोटे ट्रैक्टर पर 70% जबकि बड़े ट्रैक्टर पर 50% सब्सिडी देने की हदायत की है। मोहम्मद नवाज शरीफ की तजवीज पर पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत ट्रैक्टरों की तादाद 10,000 बढ़ा दी गई है और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का पहला फेज 1 साल में मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। इस हवाले से मुकम्मल टास्क भी दे दिया गया है। हर साल पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत ज्यादा ट्रैक्टर देने का असूली फैसला किया गया है। 6 एकड़ से 50 एकड़ अराजी मालकान ट्रैक्टर में अप्लाई करने के अहल होंगे और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुकामी सतह पर तैयार करदा हाईटेक मैकेनाइजेशन प्रोग्राम की भी मंजूरी दे दी है। गैर मुल्की कंपनी पंजाब में मुकामी इश्तराक से हार्वेस्टर और दीगर आलात तैयार करेंगी। गैर मुल्की कंपनियों को जदीद जरिए आलात की पंजाब में मैन्युफैक्चरिंग पर मुराद देने की भी तजावीज जेरे को लाई गई है और पंजाब में ऑयल सीड प्रमोशन प्रोग्राम शुरू करने की भी मंजूरी दे दी गई है। और पंजाब में पहली मरतबा वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि पंजाब में पहली मरतबा 400 अरब रुपए का किसान पैकेज दिया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन रजा।